माननीय रामकृपाल यादव जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और एक और उम्मीदवार हैं जो तीसरी बार यहाँ हैट्रिक रूप से हारने वाली है। यादवगढ़ में लालू यादव का ना वोट? लालू यादव के यहाँ कोई है नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग एक कमल एक ना विधायक, विधायक करने से कोई नहीं, विधायक से कोई मतलब नहीं। यहाँ पूरे ऊपरे बीजेपी का लहर है। मनेर में दाल गलेगा रामकृपाल यादव? दाल गलेगा पूरा समझिए कि दाल गल गया है, दाल गल गया। हाँ एकदम आपके जीत सुनिश्चित है भारी बहुमत से। मीसा भारती का अता पता है कहीं? नहीं कहीं नहीं पता। नहीं में नहीं करती है उस क्षेत्र में। 5 साल के बाद नजर आती है खाली, वो 5 साल के पर्व मनाती है खाली। इलेक्शन घड़ी आइए क्षेत्र में बुड़बक बनाइए जनता को, और बाकी दिन जनता क्या करेगा? जनता आना चाहिए क्षेत्र में ना। विकास करेंगे क्षेत्र का? कुछ विकास नहीं करेंगे, लपेट चपेट के घरे रहेंगे। हाँ तो 6,000 वोट मेरे गांव में हमारा में, मात्र एक पत्रकार के यहाँ बैठेंगे वही हो गया उनका जनता। उनको कितना आदमी पहचानता है? अपना घर देखी है ससुराल का? रामकृपाल जी डोर टू डोर घूम रहे हैं, नहीं पहचानते होंगे दावा से कह रहे हैं। उसी रिपोर्टर के पीछे मेरा घर है, पूछिए उनसे कि हमको पहचान रही हैं, आई हैं कभी मेरे दरवाजे पर वोट मांगने? कभी नहीं। भरपूर प्यार दे रही है हमको। कौन कहता है कि भरपूर? 10 साल पहले भी उनको यही प्यार मिल रहा था और भगवान करे कि ये प्यार ऑलवेज उनको मिलता रहे जी। इस तरह का ही प्यार मिले कि वो हार के अपने घर को जाए और आराम से रहे घर में। इस बार हार करके घर जाएंगे जी, और कहाँ जाएंगे? 2024 लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और ऐसे में देखिए एनडीए की जो तमाम नेता है वो अपनी जी जान झोंके हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता भी अपने जी जान लगाए हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मनेर विधानसभा में, यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमपी के सीएम वो कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचेंगे, तमाम बड़े बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। यहां की जनता से जानेंगे क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहां की पाटलिपुत्रा की जी। पाटलिपुत्रा में माननीय रामकृपाल यादव जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और एक और उम्मीदवार हैं जो तीसरी बार यहाँ हैट्रिक रूप से हारने वाली है। वो कह रही है कि इस बार तो सफाया हो जाएगा। सपना देखना किसी को रोका गया है क्या? सपना देखना एक अलग बात है और जमीन पर रहना अलग बात है। कहाँ से वो जीत पाएंगी? कहीं 10 साल 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 1 बार भी किसी गांव में किसी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ कोई कार्यक्रम में गई है क्या? कोई जनता की आवाज़ बनी है क्या? गरीब गुरबा की आवाज़ बनी है क्या? किसानों की आवाज़ बनी है क्या? अपने क्षेत्र में किसी भी रूप में कहीं भी दिखाई दी है क्या? तब तो कोई भी 5 साल 10 साल के बाद आएगा और कहेगा कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा साहब, ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है और जनता के बीच में जो रहेगा, जो सेवक के रूप में काम करेगा, वही पाटलिपुत्रा का सांसद बनेगा। और इतिहास है, लगातार 3 बार से एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीत रहा है और इस बार भी, पिछले बार 39,000 से जीता था यह सीट बीजेपी ने, इस बार 1,00,000 होगा। मनेर में दाल गलेगी क्या बात है? मनेर में पिछले बार हम 6,900 से पीछे थे, इस बार हम लोग 10,000-20,000 से लीड करेंगे। आप कहीं भाई साहब इस बात को रखिएगा। मनेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग 6,000 पीछे थे, लेकिन इस बार हम लोग 60-70,000 से आगे रहेंगे मनेर विषय। यादवगढ़ में लालू यादव का ना वोट? लालू यादव के यहाँ कोई है नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग एक कमल एक ना विधायक, विधायक करने से कोई नहीं, विधायक से कोई मतलब नहीं। यहाँ पूरे ऊपरे बीजेपी का लहर है पूरे इंडिया। लग रहा है कि मनेर में लहर चलेगी? लगेगा, लग रहा है। जीतेगी? कौन जीतेगा? रामकृपाल यादव जी। क्या कह रहे थे? बोलिए, जो पूछना बोलिए। क्या लग रहा है, मनेर में दाल गलेगा रामकृपाल यादव? दाल गलेगा पूरा समझिए कि दाल गल गया है, दाल गल गया। हाँ एकदम आपकी जीत सुनिश्चित है भारी बहुमत से। मीसा भारती का पता है कोई? मीसा भारती का अता पता है कहीं? नहीं कहीं नहीं पता। नहीं में नहीं करती है उस क्षेत्र में। 5 साल के बाद नजर आती है खाली, वो 5 साल के पर्व मनाती है। खाली इलेक्शन घड़ी आती है, बोल रहे हैं खाली इलेक्शन घड़ी आइए क्षेत्र में बुड़बक बनाइए जनता को, और बाकी दिन जनता क्या करेगा? जनता आना चाहिए क्षेत्र में ना। विकास करेंगे क्षेत्र का? कुछ विकास नहीं करेंगे, लपेट चपेट के घरे रहेंगे। हाँ तो
आज ले कुछ की है जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उनका प्रेजेंसी अपने क्षेत्र में अपने घर से ज्यादा अपने क्षेत्र में रहता है और नहीं तो फिर दिल्ली अपने काम से संसद भवन में रहता है। तो इस तरह के नेता होने चाहिए ना। अब मीसा जी हैं तो मीसा जी भाई अपना राजा घर से हैं तो राजा लोग का भाई घर में ही रजवाड़ा चलेगा ना। जनता के बीच में आके कहे अपने आप को गंदा करेंगे। अरे जनता धूल मिट्टी सब में रहती है ना, परेशानी में रहती है। राजा लोग आदेश देते हैं। तो राम कृपाल जी से वो चुनाव लड़ रहे हैं मनेर विधानसभा से ही नहीं पूरे पाटलिपुत्र से। आज तक उनसे कुछ हुआ है कि अब तीसरे चुनाव में उनको कुछ मौका मिलने वाला है? मौका मिलेगा? कौन बोलता है कि मौका मिलेगा? इतने साल से लगे हुए हैं, भरपूर प्यार दे रही है। कौन कहता है कि भरपूर? 10 साल पहले भी उनको यही प्यार मिल रहा था और भगवान करे कि ये प्यार ऑलवेज उनको मिलता रहे। जी इस तरह का ही प्यार मिले कि वो हार के अपने घर को जाए और आराम से रहे घर में। इस बार हार करके घर जाएगी जी, और कहाँ जाएंगी? फिर उन लालू जी की बेटी हैं तो उनके भरोसे उनको राज्यसभा का फिर से सांसद बनाया जाएगा। अच्छा, क्या लोकसभा में जाइएगा? इसके लिए जमीन पे मेहनत करना पड़ता है और जमीन पे मेहनत कुछ करना है नहीं। बस हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। ये ताल ठोकना अच्छी बात है लेकिन ये जो बड़ियाड़ी करने का ही लोगों का तरीका है ना, ये गलत है। गलत है। चुनाव प्रेम से जीता जाता है, दिल जीत करके चुनाव जीता जाता है। आप तो भाई लड़ने आए हैं। जनता का बिना चुनाव को जीतता है? जब राज्यसभा सदस्य हैं तो राज्यसभा सदस्य क्यों रहे? इनको लड़ना था तो राज्यसभा सदस्य बनना ही नहीं था। इनको सीधा अपने क्षेत्र में आके राम कृपाल जी की तरह ही मेहनत करके जनता का प्यार लेना था। प्यार अभी मेहनत कर रही है, अभी मेहनत कर रही है, होता है ना। 5 साल में क्षेत्र, आज ले तो क्षेत्र में हमको दिखाइए नहीं दिया। राम कृपाल जी का क्षेत्र में है, वो ले जाएंगे। सुनिए बता रहे हैं, इनके हर गाँव में ना बस एक घर बंधा हुआ है, उसके यहाँ बैठना है, हो गया। आओ जनता उस गांव में नहीं है। 6,000 वोट मेरे गांव में, हमारा में मात्र एक पत्रकार के यहाँ बैठेंगे, वही हो गया उनका जनता। आओ उनको कितना आदमी पहचानता है? अपना घर देखिए ससुराल का, राम कृपाल जी डोर टू डोर घूम रहे, नहीं पहचानती होंगे, दावा से कह रहे हैं। बताएं हम हैं खड़ा, दिखाइए उनको लाइव की पहचान रही है। उसी रिपोर्टर के पीछे मेरा घर है, पूछिए उनसे कि हमको पहचान रही है। आई है कभी मेरे दरवाजे पर वोट मांगने? कभी नहीं। यहाँ के जो जीते हुए हमारे जो विधायक है ना भाई वीरेंद्र, वो नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ चलिए देखिए, तमाम जो जनता है वो काफी नाराज है और कह रहे हैं कि पिछली बार तो हम लोग यहाँ से लगभग 6,000 वोट से पीछे थे लेकिन इस बार मनेर में 20,000 से 25,000 वोटों से आगे रहेंगे और इस बार पाटलिपुत्रा तीसरी बार राम कृपाल यादव हैट्रिक लगाएंगे। अब देखने वाली बात होती है कि 4 जून के नतीजे क्या कुछ रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।